मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब मैं कश्मीर के बारे में सुनती हूँ, क्योंकि हम लोगों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, इसलिए लोग हमें परेशान करते हैं। अगर हम लोगों के अंदर इत्तेहाद हो और हमें लेकर और मुल्क भी बोलें तो मजा नहीं है कि कोई हमें कुछ कह सके। सिर्फ इत्तेहाद की इतनी ज़्यादा कमी है कि अगर एक पर जुर्म होता है तो दूसरा बिल्कुल नहीं बोलता, हर एक यही सोचता है कि हम पे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक पर होता है तो फिर सब पर होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पे नहीं हो रहा है तो हम पर होगा ही नहीं, लेकिन हर एक इंसान यही सोचता है कि अभी हम तक ही आप नहीं पहुँचे। इसलिए हम सब मतलब हमें कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो है एकजुट नहीं हैं। जिस दिन हम लोग एकजुट हो जाएंगे, या जो ममालिक है जैसे सऊदी अरब वगैरह हैं, ये सब जो हमारे बारे में बोलेंगे, उस दिन जो है किसी की हिम्मत नहीं होगी हमें परेशान करने की। हमें परेशान इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमें सब अकेला महसूस करता, हम अकेला सोचते हैं। अगर हमें अकेला नहीं सोचा जाएगा, ताकतवर भी नहीं सोचा जाएगा, तो जब तक हम परेशान होते रहेंगे, जब तक हम एक होते रहेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये चीज फरीम साहब ये शिकायत उनसे कोई पैगाम नहीं दिया कश्मीर की उन माओं को कि छोटे बच्चे 13 साल से ऊपर की उम्र के 14,000 लापता हैं, कितने जिंदा हैं, कितने की जेल में हैं, कहाँ हैं, कुछ पता नहीं। और ये तो आप जानते ही हैं कि कश्मीर के अंदर कंसंट्रेशन कैंप्स की तरीके की जेलें भी बना दी गई हैं कि अगर कोई बड़ा मामला फैले, हजारों लोगों को इकट्ठा करके जमा करना पड़े तो उन पर जमा किया जाए। मैं अब एक बहुत बुलंद पाया इंटेलिजेंट बेहतरीन शायर बेहतरीन नाज़िम और एक अलग सोच रखने वाले, एक मुस्लिम सोच रखने वाले, एक मुस्लिम ऐसी सोच रखने वाले जो कि म्याना है, उनको यहाँ आपके सामने पेश करता हूँ और उनके अंदर ये शेर पेश करता हूँ कि लेके तलवार मौत बन जाना अब दिलेरों की ये निशानी है, वक्त है अल का अमल का अब सरकटा और न खून पानी है ना अब तालिब सिराज तालिब भाई। कम जुमलों में ऐसी बात कहे कि मैं यहाँ लिख लू और वैसे ही दे दू कोई हल बता देना नहीं। इन मसाइल का कोई हल बता देना, इसके लिए बहुत देर से बातचीत हो रही है, अभी किसी ने बताया तो देख लीजिए। अगर इसे बताएंगे तो मुझे कोई बात नहीं, मैं तो सुनने आया था। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मरकज के सदर जनाब डॉक्टर प्रीत तरीन साहब को, जिन्होंने आज के इस दौर में ये जसारत की, जब बड़े बड़े अदारे बड़ी बड़ी तंजीमें जो मुल्क के मसाइल मुसलमानों के मसाइल पर, मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, दुकानें चला रही हैं और ऐसे इशू पर खामोश तमाशाई। शम्स तबरेज साहब ने कभी ये बात रखी कि जब धारा 370 हटाया गया तो कुछ लेफ्ट की तंजीमें मैदान में आई जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। कविता कृष्णन जैसी लेडी वो कश्मीर जाती है, लेकिन वो नाम निहाब लोग ताईद में खड़े होते हैं कि धारा 370 35A का हटना ये ठीक था, NRC का देश में लागू होना वो सही है। इससे ये पता चलता है कि आज इनके जमीर मुर्दा हो चुके हैं। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता
तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। अभी डॉक्टर साहब ने पूरी तारीख जो कश्मीर की थी वो सामने रखी और उससे भी ये पता चला कि अगर वहां उस वक्त के लीडरान मुखलिस होते तो आज ये हालात ना होते। उन्होंने रास्ता तैयार तो किया लेकिन अपने बेटे और अपने पोते के लिए किया, कभी कश्मीरी आवाम के लिए नहीं किया। अगर कश्मीरी आवाम के लिए किया होता तो आज ये हालात ना होते। सब मुस्लिम का नाम है, सब सबका नाम ले लो, उनके नाम लो सब। मुअज्जज़ हाज़रीन, ये हालात बहुत खतरनाक हैं। अभी वो डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास और उनके दो साथी अरुमुगम सुब्रमणि और शीमा मोहसिन साहिबा ये कश्मीर गए और वहां दो रोज रहकर आए। उन्होंने जो बताया यकीन मानिए दिल दहल गया। तकरीबन 40,000 वो लोग जो कश्मीरी आवाम की आवाज जो एक्टिविस्ट थे जो उनकी आवाज उठाते थे सबको जेल के अंदर डाल दिया गया। 14,000 बच्चे आज जेलों के अंदर हैं। एक 9 साल का मासूम बच्चा अपने घर से ब्रेड लेने के लिए जाता है और ये फौज पकड़कर उसकी पिटाई करती है, उसको जेल के अंदर डाल देती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मरीज जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, जिनको दवाओं की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, वो आज इलाज नहीं करा पा रहे। मस्जिदों के अंदर इकट्ठा होकर वो नमाज नहीं अदा कर सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन हालात में वहां के लोग आज जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमतें ये घुटने टेक दें अगर हम और आप पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरे, आवाज उठाएं, इन्हें ये लगे वो अरब के अय्याश हुक्मरान, उनको ये एहसास हो कि हिंदुस्तान का वो 25 करोड़ मुसलमान आज परेशान है, लेकिन उन्हें तो लगता है जब महमूद मदनी और अरशद मदनी जैसे लोग अमित शाह के साथ खड़े हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं, उनसे दलबैया करते हैं, तब तो उन्हें यह लगता है कि मुसलमानों के रहनुमा इस कदम से खुश हैं, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हाज़रीन कराम, महफिलें सजती रहेंगी, मुशायरे होते रहेंगे, नशस्तें होती रहेंगी। उर्दू आज जिंदा है, कल जो हालात है पता नहीं क्या हो, लेकिन अगर हम अपने क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना काद के लिए कुछ कम ना कर रो मैं, अगर ये दर्द ये पीस हमारे दिल में नहीं है तो यकीन मानिए मुसलमान तो बहुत दूर की बात, हम इंसान भी नहीं हो सकते। इसको हमें महसूस करना, हमारे गैर मुस्लिम भाई जो सही सोच रखते हैं आज इस बात को महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब हम ही नहीं बोल रहे, हमारे घर में आग लगी है, हम बुझाने के लिए तैयार नहीं है, हमारे पड़ोसी को क्या गरज है, क्यों वो आएगा आग बुझाने के लिए हमारे घर की, उसके लिए तो हमें खड़ा होना होगा पहले। ना हम नवा ना किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम नवा ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी। तो हजरात बहुत बेहतरीन कदम आपने उठाया है, अब मैं चाहता हूं कि इसको लेकर आप बाहर निकले, सड़कों पर निकले, कसम खुदा की जितनी इस्तेदात ताकत है हम साथ में खड़े हैं, और जिस तरह से हो सकता है, कुछ है नहीं है, बेसरोसामानी के हालत में हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए इंशाल्लाह तैयार रहेंगे, और यही जज्बा हर दिन। बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर पे एक नज्म है, लेकिन जब वो सिलसिला चलेगा मुशायरे का फिर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।